अंकल ये पूरे 50 लाख रुपए हैं। आप उन लोगों को ये देकर फिलहाल उनसे थोड़ा टाइम ले लें। प्रॉपर्टी के कागजात तो देना अभी ठीक नहीं है। बात की है मैंने उनसे, अभी 1 करोड़ दूंगा, बाकी के 9 करोड़ बाद में दूंगा। अंकल अगर ये रकम लेके उन्होंने शेरी को नहीं छोड़ा तो? छोड़ेंगे शेरी को तो वो 10 करोड़ में। अभी 1 करोड़ रुपया देख कर तो मैं उनका गुस्सा ठंडा कर रहा हूँ कि कहीं वो शेरी को तकलीफ ना दे। अंकल आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको बस 2-4 दिन में ही प्रॉपर्टी की फाइल्स भिजवा दूंगी। वो बेच कर आप उन लोगों को पैसे दे दीजिएगा। बलिया बेटा, तेरा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बहुत बड़ा एहसान किया तूने मुझ पे इस मुश्किल घड़ी में। असल में तो इरफान को मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन छोड़े अंकल, जख्मों को खरीदने का क्या फायदा? दोस्तों के दिए हुए जख्म बेटा सारी जिंदगी रसते रहते, और कुछ जख्म नासूर बन जाते। हला साई बस रहम करे मेरे पे, दुआ कर बेटा अल्लाह बेहतर करे। इंशाल्लाह अंकल कुछ नहीं होगा। मलिया बोल बेटा। ना सिर्फ फोन बल्कि मलिया भी मेरे कब्जे में। तू मेरे को ये बता कि तू है कौन, और मलिया का फोन क्या कर रहा है तेरे पास? देख अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, एक बात याद रखना। ओ अच्छा, तो आज तक मैं ये समझ रहा था कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। अच्छा है,
आपने मेरी ये खुशफहमी दूर कर दी है। देख बात सुना, तूने मेरी बेटी को अगवा किया है, क्या चाहता है मुझसे? तुम मेरे बाप लगते हो कि हर सवाल का जवाब दूं तुम्हें मैं? सीधी बात है, तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है और उसे छुड़ाने के लिए 50 करोड़ रुपए देने होंगे तुम्हें, वरना इसकी खरीदार बाजार में बहुत हैं। देखो मेरी बात गौर से सुनो, तू कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगा वरना मैं तेरा वो वरना क्या पुलिस को बताओगे? तो अपना ये शौक पूरा कर लो और उसके बाद तुम्हारी बेटी की इज्जत और जिंदगी कोई गारंटी नहीं होगी। देख भाई बात सुनो गौर से मेरी, देखो 50 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। देखो मेरे पर रहम खाओ, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी एक ही बेटी है। तो फिर ठीक है, मुझे अपने पैसों का बंदोबस्त करना आता है, तुम्हारे पास कल तक की मोहलत है। हेलो, अरे बात सुन, अरे हेलो, मानता हूं कि जो हमारा कारोबार है उसमें मेरे दोस्त भी आए दुश्मन भी आए, लेकिन उनमें से कोई भी इस हद तक नहीं कर सकता। इस बात का मुझे पक्का है कि इनमें से किसी ने यह हरकत नहीं किया। जी पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कारोबारी लोग इस तरह की दुश्मनियां नहीं लेते, उनके तो अंदाज ही दूसरे होते हैं। मेरे ख्याल से काम किसी अपने का है, हमें पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए। पागल पागल तो नहीं हो गया तू? अरे खतरा मोल नहीं ले सकते हम, पता नहीं कब कहां पुलिस और दुश्मनों का आपस में गठजोड़ हो और जिन लोगों को हम अपना खैर खास समझ रहे हो वही हमारा दुश्मन निकल आएगा, तो फिर क्या करेंगे? तो क्या इस तरह से हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे अगर मलिया कुछ हो गया तो? सोच सोच के मेरा हाँ फट रहा है, इतने सारे पैसे इतनी रकम का इंतजाम करेंगे कहां से, मेरे पास तो टका नहीं है। पापा आप उनसे कह दें कि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है। शाबाश, हम उनसे बात कह दें और वो मान भी लें, उल्टा सोचेंगे बेचारे हैं, हमें इनकी मदद कर देनी चाहिए, है ना? बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस बात। मानता हूं कि मलिया मेरी बेटी है, लेकिन माँ तुम दोनों की एक ही है, ऐसे मौके पे ऐसी बात करते तुमको शर्म नहीं आती है, हया नहीं आती है? पापा आपने इस तरह क्यों कह दिया उन्हें? उसको अंदाजा ही नहीं है कि किस मुसीबत के अंदर बैठा हूं मैं, हमेशा बेवकूफी की बात करता है। अल्लाह साईं का शुक्र है ये काम भी ठीक हो गया। काम तो ठीक हो गया बाबा, लेकिन ये सिद्दीक बंदा मुझे ठीक नहीं लगता। आप उसको फोन करके बोल देना कि मलिया को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे। तो क्यों परेशान होता? मलिया कौन सा तेरी बीवी बनने वाली है? जो भी है बचपन गुजरा है हमारा, एक ताल्लुक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तू खामखा परेशान हो रहा है। फिर भी मैं तेरी तसल्ली के लिए सिद्दीक को फोन कर ही देता हूं। जी जनाब, क्या हुक्म है मेरे लिए? एक बात कान खोल के सुन ले, उस लड़की को मेली नजर से नहीं देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए वो, ख्याल रखना उसका। बेहतर है जनाब, जैसे आपका हुक्म।
ठीक है। आपको क्या लगता है कि आपकी सारी बातों पे सर झुका के अमल करेगा ये? तेरे कहने का मकसद क्या है? मुझे डर है बाबा, कहीं ऐसा ना हो ये हमें बताए बिना 2-3 करोड़ मलिया का सौदा ना कर दे। अगर ऐसा हुआ ना, मुंह तकते रह जाएंगे हम। हमारे पास 50 लाख कैश और मलिया की प्रॉपर्टी के कागजात मौजूद है। फिक्र नहीं कर, मैं भी तेरा बाप हूं, अकाउंट का बादशाह हूं। फिक्र नहीं कर, सारा बंदोबस्त करके रखा है, बस तू मेरा साथ दे। तेरे से बड़ी उम्मीद है मेरी। देखो कासिम, अगर तुमने ये हरकत की है ना, तो जान लो कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ऐसा तो नहीं ये हरकत गुलशेर खान ने की अपने पैसे वसूल करने के लिए? देखो मेरे लाख इख्तलाफात सही इरफान से, लेकिन मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। अगर उसको एक खराश भी आया ना, तो मुझे बहुत तकलीफ पहुँचती है। अगर किसी को दुश्मनी है तो वो मुझसे निकाले ना, मेरी बहन का तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। और जिसने भी ये किया है उसने अपनी मौत को दावत दी है। अच्छा ठीक है ना, मैं भी बात नहीं कर सकती, इरफान की बहुत दफा कॉल आ गई है, मैं फोन काट नहीं सकती। क्या मसला है तुम्हारे साथ? इतनी देर से तेरे को फोन मिला रहा हूं, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? क्या मसला है तेरे साथ? ऐसी कौन सी कयामत आन पड़ी? बिजी थी मैं फोन पे बात कर रही थी। बिजी थी? अरे ऐसा कौन सा बिजी थी, ऐसा कौन सा मसरूफ थी जो मेरा फोन नहीं उठा रही थी तू? अच्छा तो तुम मुझसे अब मेरी मसरूफियत के बारे में भी पूछोगे? मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरा कजन आ रहा है दुबई से, आज ही पहुंचा है वो कराची, और उसी से बात कर रही थी। तुम बताओ ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी जो इतना चिल्ला रहे हो? मुसीबत नहीं, पर कयामत टूट गई है। कुछ लोगों ने मलिया को अगवा कर लिया है और मुझसे 50 करोड़ रुपया तावान मांग रहे हैं। क्या? जाने में लिए किस हाल में होगी? पानी में रहते हुए मगरमच्छ से बैर नहीं लिया जा सकता, यकीनन ये अंकल के किसी दुश्मन का किया धरा है। और ये बात तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? यकीन से तो नहीं कह रही, लेकिन बंदे की कोई असेसमेंट भी तो चीज होती है। और मार्केट में अंकल की रेपुटेशन कुछ खास अच्छी नहीं चल रही। अच्छा तो नहीं लगता, मगर अंकल के लिए चीटर का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। तुम्हें यकीनन कोई गलतफहमी हुई होगी। अल्लाह करे कि गलतफहमी ही है, वरना ये बात तुम भी तो अच्छी तरह जानते हो शराज। अगर आंटी का असर रसूख ना होता तो हालात बहुत अलग हो सकते थे। लेकिन तुम्हारी ये सारी बातों से अहिया के अगवा होने का क्या ताल्लुक? मेरा मतलब है ये कोई कारोबारी रकाबत भी तो हो सकती है। अंकल ने मार्केट के इतने लोगों से उधार ले रखे हैं, काजा करने वालों के अंदाज भी अलग है।
अगर अंकल को इन सब चीजों के बारे में मालूम था तो उन्हें कोई आइडिया तो होता, ऐसे महसूस होता। अगर होता भी तो ये सब तुमसे क्यों शेयर करते? इरफान अंकल बहुत गहरे आदमी है। तुम अंकल के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते? लेकिन तुम तो ये जानते हो ना कि मैं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हूँ, और फिर बिजनेस मार्केट में 2-4 दिन मैंने भी गुजारे हैं। बंदे का पता चलाना इतना मुश्किल काम नहीं है, बशर्ते देखने वाली नजर होनी चाहिए। यार तुम्हारी सारी बातों से ना मेरे सर में दर्द हो गया, चाय ले आओगे? श्योर, हम ही लेकर आते हैं। मैनेजर साहब, आपके कहने का मतलब यह है कि मलिया ने अपने अकाउंट से 50 लाख रुपया निकलवाया है? कैसी हरकतें करते हो मैनेजर आप, बादशाह आदमी हो? अरे इतनी बड़ी अमाउंट निकलवाने के लिए आई थी, इसको अमाउंट देने से पहले मेरे को पूछना तो चाहिए था। अच्छा एक बात बता सकते हो मेरे को, जब वो पैसे लेने के लिए आई है तो उसके साथ कोई था या नहीं? ठीक है, रखता हूं फोन। मेरे घर में खड़े होकर मुझसे सवाल करने वाली तुम कौन होती हो? इस बात का जवाब दो कि मलिया कहाँ है। मुझसे क्यों ये सवाल कर रहे? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इस किडनैपिंग के पीछे तुम्हारा हाथ है। मेरे ख्याल से तुम्हारे दिमाग में ना खन्नास भर गया है, इसलिए ऐसी औलफल बातें कर रहे हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं पीठ पीछे वार करने की आदत नहीं रखती। बोल कौन रहा है जिसने मेरी बहन का घर बर्बाद किया है? जलती थी ना तुम उससे, इसलिए उसे अपने रास्ते से हटाया है ना? काश ये मैंने किया होता। तुम्हें इतना परेशान देखकर मैं यही सोच रही हूँ कि काश ये मैंने किया होता। मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे किए किसी गुनाह की सजा तुम्हारी बहन को मिल रही है।